बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप देख रहे होंगे कि जिंजर और गार्लिक क्यों पड़ा हुआ है और जनाब ये क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का जो है मेरे पर मैसेजेस आए कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो हम पीसते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है कुछ दिन बाद। तो वो क्यों होता है ग्रीन कलर का, उसको पेस्ट को प्रॉपर बनाने का तरीका बताएँ। तो मैं आपको जो लहसुन और अदरक है यानी जिंजर एंड गार्लिक जो है इसको पीसने का और इसकी पेस्ट बनाने का तरीका बताती हूँ, जो कि बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं होगा। आप एक महीने तक इस पेस्ट को बना के फ्रिज में रख सकते हैं, कलर बहुत खूबसूरत, खुशबू वैसे ही बरकरार रहेगी। तो आते हैं इसके मेथड की तरफ, दोनों अलग अलग पेस्ट बनाएंगे और आपको इसका सीक्रेट बताते हैं कि आप जो लहसुन अदरक पीसते हैं वो कुछ दिन बाद ग्रीन कलर का क्यों हो जाता है और जो मैं पीसूँगी वो ग्रीन कलर का क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे किसका, गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे। तो गार्लिक का पेस्ट बनाते हैं जी व्यूवर्स। तो सीक्रेट ये है कि हम जो है जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है हमेशा पानी में बनाते हैं। कभी कोई लोग उसमें सिरका डाल देते हैं कि इसका कलर चेंज ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी में ही हम पेस्ट बनाएंगे, लेकिन हम जो भी ऑयल घर में यूज़ करते हैं हम उसको भी इसमें शामिल करेंगे। ऑयल डालने से क्या होगा, उसकी शक्ल, उसका फ्लेवर और उसकी खुशबू जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो मैं अब आपको पेस्ट बना के दिखाती हूँ कि बनाना कैसे है। आते हैं बनाने की तरफ। ऑयल आप कोई भी डाल सकती हैं, सरसों का यूज़ करती हैं सरसों का डाल दें, नारियल का यूज़ करती हैं नारियल का डाल दें, और अगर आप ऑलिव ऑयल, जैसे कि मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ तो आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, वरना आम वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नेचुरल ऑयल यूज़ किया करें, जो कि मैं बार बार आपसे कहती हूँ इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो अब आते हैं पेस्ट की तरफ जी व्यूवर्स। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी जितना भी चाहिए हो आपको डाल सकते हैं आप इसके अंदर। देखिए ज़्यादा जो है आपको थिन नहीं बनानी पेस्ट, थिक बनानी है। और ऑयल 1 कप, ये लहसुन जो है ये 1/2 kg है इसलिए इसमें 1 कप डालना है, और अगर ज़्यादा होगा तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। बिस्मिल्लाह, अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। ज़बरदस्त पेस्ट जो है वो तैयार हो रहा है। अब पानी इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना हमें, इसी पानी में हम इसे ग्राइंड। जी व्यूवर्स, तो देखिए ये पेस्ट कितनी शानदार रेडी हुई है, और ये देखिए इसका कलर देखें आप गार्लिक का, कितना खूबसूरत कलर बना है इसका। और ये आप 3 महीने भी फ्रिज में रखेंगी इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इसका फ्लेवर चेंज नहीं होगा, और इसका जो है टेस्ट उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, पानी और ऑयल बिल्कुल अलग नहीं होगा। तो इसको हम डाल देंगे जार में, और सेम इसी तरह हम जिंजर को भी पेस्ट बनाएंगे और उसको फिर आपको दिखाते हैं। अब उसी जो हम जग में हैं अदरक डालेंगे, पानी और जो ऑयल है वो भी मैंने ऑलरेडी शामिल कर दिया क्योंकि पहले मैं आपको मेथड बता चुकी हूँ। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना देंगे, और देखिएगा कितनी शानदार। जी ये अदरक का पेस्ट रेडी हो चुका है, हम स्पून से चेक करते हैं। जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये पेस्ट रेडी हुआ है, कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, बहुत ज़बरदस्त कलर है, और आप इसको बहुत आराम से सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इसको काफ़ी अरसे तक फ्रिज में रख सकते हैं और ये ऐसे ही फ्रेश रहेगा, ऐसे ही खुश शक्ल रहेगा। तो हम इन दोनों को जार में निकाल के फिर आपसे मिलते हैं। जी व्यूवर्स, तो जिंजर और गार्लिक दोनों पेस्ट रेडी हैं, आप दोनों के कलर्स देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत कलर आए हैं, और ये पेस्ट इसी कलर में ही रहेगा, आजमाइश शर्त है। आप जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, ख्याल कीजिएगा ये फ्रिज में रहे, वैसे अगर ये बाहर भी रह जाता है 1-2 दिन तो ये ख़राब नहीं होता। तो बेहतर है कि आप जो है इसे फ्रिज में रखें और अच्छे तरीके से सेव करके रखें, गीला चम्मच इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करें, और ड्राई चम्मच से हमेशा इसे निकालना है आपने। इसकी शक्ल, इसका कलर, इसका टेस्ट नहीं ख़राब होगा। तो मिलते रहें इसी प्यार और मोहब्बत के साथ, इंशाल्लाह ताला मैं नई नई चीज़ें लाती रहूँगी आपके लिए इसी और प्यार मोहब्बत के साथ। मिलते रहेंगे, अल्लाह हाफिज़।